तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन लेके आए। फिलहाल तो मैं फोकस एनर्जी लिमिटेड में वैकेंसी लेके आया गुड़गांव और जैसलमेर लोकेशन के लिए। पहले गुड़गांव लोकेशन के लिए देख लेते हैं। तो गुड़गांव लोकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट HR, तो दोस्तों यहाँ पर जो है टाइमिंग वो 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, रीड मोर कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपकी, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोई ग्रेजुएशन चलेगा, वो किसी से भी हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा। और आपको यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है RERUIREMENT@FOCUSOIL.com पे आप अपना CV फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोसेस भी बता दूंगा। यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन दिखा रहा है तो आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। एक चीज़ याद रखिए, पूरा प्रोसेस बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो होगी गुड़गांव के लिए। अब दूसरा जो है मैंने आपको बताया था जैसलमेर के लिए 9 पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एडमिन के लिए है, ट्यूबिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मड केमिस्ट, तो फ्रेशर के लिए है। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा देता है फोकस एनर्जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पर गैस प्रोडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी है। तो दोस्तों आपको जैसे एक के लिए मैं आपको अप्लाई करना बताता हूँ थोड़ा। देखो ऐसे मैंने ले लिया मड केमिस्ट के लिए ले लिया, तो मैं इसे मोर कर लेता हूँ पहले। तो ट्रेनी फ्रेशर के लिए वैकेंसी ये ज़्यादा निकालते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो आपको देखो जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो इंटरफेस खुल, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो अब पूरा फॉर्म फॉर्म जैसा खुल जाएगा। नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना चाहते हो सैलरी, और आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है आपका CV वो, और आपको यहाँ पर आंसर देने सबके, और इसे आपको सबमिट कर देना लास्ट में। इस तरीके से नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इंडिगो। मैं सबके साथ बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, पूरा प्रोसेस साथ में बने रहो बस। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इंडिगो का। इंडिगो का ओपन कर लेते हैं। आपको बता दूं 20, 18, 25 और 23 तारीख, ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल है। मैं आपको 12 तारीख का खोल के देखता हूँ। तो 12 तारीख का खोलता हूँ तो हम दिल्ली लोकेशन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव 12 और 25 दो तारीख दी हुई है यहाँ पे, दोनों का सेम है, इस वजह से एड्रेस सेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं आपको समझाऊंगा पीछे। तो इस तरीके से आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडिगो, जो दोस्तों आपको पता ही होगा ऑलरेडी इसके बारे में। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो दिखा रहा हूँ गल्फ ऑयल, तो यहाँ पे क्या है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक ऑलरेडी इनकी दी हुई है, तो यहाँ पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस बंदे। तो यहाँ पर अपना CV भी सबमिट कर दो सभी लोग दोस्तों, क्या हो सकता है जिसका अलग काम कर जाए। नेक्स्ट, तो हीरो, तो हीरो में यहाँ पर वैकेंसी है ऑलरेडी। हीरो में देखिए सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है यहाँ पे, देखिए आपको पूरा बता दिया है। तो यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप जिस तरीके से अप्लाई करना है उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी में जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पे मैनेजर्स के लिए, डिप्टी मैनेजर के लिए है, फाइनेंस के लिए है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के लिए भी है, जैसे
तो आपको जो सारी सेल्स वगैरह जो भी हैं डिपार्टमेंट, जैसे मैंने एक ले लिया, जैसे यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, एचआर में भी है, तो आप इस तरीके से प्रोडक्शन में भी है, जैसे मैं प्रोडक्शन वाला ले लेता हूँ, एक मैंने लिया एक, अब देखता हूँ। देखो प्रोसेस भरने का पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा, तो यहाँ पर देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए मेरे को दिखा दिया जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा मांगा है डाई मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको देखो यहाँ पर देखो नीचे अप्लाई भी प्रोसेस दिखाएगा, देखो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी जानकारी है, और आपका देखो CV भी मांगेगा यहाँ पे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फॉर्म की तरह भर देनी है, और आपको पूरा डिटेल्स देखो यहाँ पे मांग रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, और लास्ट में आपको ये सबमिट का ऑप्शन पूरा दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप पर्टिकुलर एक एक के लिए ऐसे करके, क्योंकि यहाँ यहाँ पर वैकेंसी मारुति सुजुकी बहुत सारी हैं, 63 वैकेंसी हैं, ठीक है, 63 ऊपर दिखा रहा है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे भर सकते हैं, सब सब की जानकारी दूंगा, आप बने रहिए बस, ठीक है, लास्ट तक वीडियो के। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, यहाँ मैं महाराष्ट्र लोकेशन JSW स्टील लिमिटेड एप्लीकेशन इंजीनियर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखोगे आप क्वालिफिकेशन BE मेटलर्जी और मैकेनिकल से मांगे, फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें 2 साल तक एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई ऑप्शन दिया देखो, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो लास्ट है या नेक्स्ट मान लो, तो दोस्तों महिंद्रा है, महिंद्रा में लास्ट वैकेंसी है, तो यहाँ पर महिंद्रा में बताई गई है डिप्टी मैनेजर सर्विस के लिए है, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन है, ठीक है, पूरी चीज़ें बता दी गई हैं ऊपर जो भी हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के नोटिफिकेशन आगे भी आते रहेंगे।